ये मार्केट में बेची जाने वाली टॉर्च है जो कि लाइन हटाने के लिए यूज होती है स्पार्क के थ्रू। इसे प्लीज यूज मत कीजिए अपने टीवी पर, इससे आपकी प्रोसेसर खराब हो जाएगी, मुझे पक्का विश्वास है। मैंने ये ट्राई किया इसमें वीडियो बताने के लिए कि ये कितना इफेक्टिव है। बाहर से ही आपकी अंदर जो मेन बोर्ड की प्रोसेसर है इसको उड़ा के रख देगा। लाइन हटाने के लिए ये टॉर्च यूज की जाती है और मार्केट में ये बिक भी रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। प्लीज इसे मत खरीदिए, बिकॉज इससे आपकी पैनल तो ठीक नहीं होगी लेकिन मदरबोर्ड की प्रोसेसर खराब हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये टीवी रिस्टार्ट में चला गया। कल का शायद दो है, आज एक चला जाएगा और मैं सुमित से पहले इंट्रोडक्शन लूंगा बिकॉज वो आज जाएगा, ठीक है। आज की ट्रेनिंग उनकी आखिरी ट्रेनिंग रहेगी, इसके बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे। सुमित हेलो एवरीवन, मैं यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए आया हुआ था। मुझे मैं बाकी कुछ चीज़ों तो कर लेता था लेकिन सॉफ्टवेयर में अक्सर कर मैं लटक जाता था। तो मैंने सर की वीडियोज़ देखी, मैं सर को काफ़ी टाइम से फॉलो भी करता था, तो मैं सर से मतलब यहाँ पर स्पेशली सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग के लिए ही आया था। लेकिन यहाँ पर कुछ मदरबोर्ड में भी मुझे टेस्टिंग करने के लिए अपडेट चीज़ें मिल गई हैं, जैसे कि कहते हैं कि सीआरटी के टेक्नीशियन को अपडेट हो जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से मैं जैसे मदरबोर्ड पहले करता था तो उसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मुझे मिल गई हैं, और बाकी सॉफ्टवेयर का तो मिल गया, अब मिल तो गया है मुझे, अब वो मुझे प्रैक्टिस करनी है। जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करता तब तक मैं परफेक्ट नहीं होता हूँ। yes. और अब रिजल्ट क्या होगा वो तो आफ्टर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बताएं। मेरा नाम सुभाष है, मैं केरला से आया है। इधर मैं तो सीआरटी का टेक्नीशियन था, उसके बाद जो एलसीडी को बारे में कुछ आइडिया नहीं था। इधर आने के बाद जो मेरा का जो मदरबोर्ड स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड जो नॉर्मल टीवी सबका जो मदरबोर्ड के बारे में बहुत जानकारी मिली, सबके बारे में मदरबोर्ड के स्कैनर को बीसीबी सबका आइडिया मिला। ऊपर से जो एमएमसीएसी का जो रिकॉर्डिंग प्रोसेसर का रिकॉर्डिंग उसके बारे में बहुत अच्छा आइडिया मिला। और अभी तो मैं तो कुछ कर सकता है। ऊपर से अभी हमारी इधर एक बीजीएम मशीन भी आया हुआ है, उसका भी पूरा ऐसा मशीन काम करता है, वर्क करता है, उसके बारे में आइडिया। सब हम बोल सकते हैं फिर अभी यही है ऐसा सिस्टम, अगर आएगा तो आपको जानकारी लेना हो तो आके ले सकते हैं। थैंक यू। मैं असम से हूँ, सोनक फुकन। मैं सोर्स पीसीबी और टीकॉम के लिए आया था, अभी सीख रहा हूँ, अभी थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है। उसका आगे मैं ये सीआरटी का काम करता था और उसमें उससे ये मतलब थोड़ा अलग किस्म का है, वो कैसे मदरबोर्ड टेस्ट करता है वो सीखने के लिए आया था, वो मिला है। और ईएमसीसी के बारे में भी बोला है, और रिगोलिंग कैसे करता है, बॉल कैसे बनाता है। अब ये जो टॉर्च की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई है मदरबोर्ड के अंदर, वो हम देख लेते हैं कि क्या आखिर इसमें प्रोसेसर के साथ क्या हुआ। ओके, और हम आईसी को भी उठाएंगे और देखेंगे कि ये सॉर्टिंग बंद हो जाती है उसके बाद, ठीक है। आईसी उठाने पर फर्स्ट है टेस्ट टी, सेकेंड है लीड एफ, ओके, इसकी प्रोफाइल सेटिंग ऐसी होगी। और तीसरा जो है ग्रुप वो है लीड, मतलब जो आईसी जिसमें लीड यूज़ हुआ है, लीड सी नहीं है, ओके। तो वो थर्ड ग्रुप में इसकी टेम्परेचर प्रोफाइलिंग इधर है, ठीक है। तो हम इसमें सेकेंड ग्रुप लेंगे, लीड ऐप, ओके, और बैक बटन दबाएंगे। अब वो नीचे ले लेते हैं और थोड़ा सा साइड करके हीट कर लेते हैं आईसी को और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट हम यूज कर रहे हैं, आईसी हीट होनी चालू हो गई। यहाँ पे सेगमेंट वन से लेके सेगमेंट फाइव तक हीट चालू रहेगी।
ठीक है, ये 240 सेकंड ये हो चुका और आईसी अब हमें उठानी है, हम आईसी उठा लेते हैं। ओके, बोर्ड में ये आईसी खराब हो गई और हमने अभी आईसी निकाली, अब हम आपको दिखा देते हैं, सॉर्टिंग रिमूव हो गई होगी अभी। 0.49, 0.489, ठीक है, क्लियर कि सॉर्टिंग आईसी में थी। ने देखा कि टॉर्च जो कि मार्केट में बेचा जाता है कि लाइन दूर करेगा ये, लेकिन ये लाइन तो दूर नहीं करता, लेकिन मदरबोर्ड की प्रोसेसर जरूर उड़ा देता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी चाहिए मार्केट में जो अभी उनके फायदे के लिए बिक रही है।